हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट जो है ना, तारीख जो है ना, 27 जनवरी हो गई है। और इस बहुत ज़्यादा जनवरी में, कोहरे में, हम अपने जो पौधे हमारे इंडोर होते हैं उनको हम कैसे बचाएंगे, क्या-क्या हमें सावधानी बरतने पड़ेंगी, और उनके साथ क्या-क्या हमें खाद डालना पड़ेगा, क्या क्या हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उस सिलसिले में जो है ना, हम आपसे थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देंगे कि इतनी सर्दी में, कोहरे में, पाला इस समय पड़ रहा है, टेम्परेचर 5 और 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरह के टेम्परेचर में हम अपने पौधों को कैसे बचाएंगे। तो दो व्यूवर्स, हमने काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो हमने अपलोड नहीं कर पाए हैं। उसकी वजह ये थी कि कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा था, विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, इस वजह से मैंने वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि मेरा काफ़ी सब्सक्राइब भी जो है ना रुक गए हैं, हमारे व्यूज़ वगैरह भी काफ़ी रुक गए हैं, हमने बहुत दिनों से कुछ काम नहीं कर पाया है। तो आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं तो मौसम खुला हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ ज़रूरी टिप्स दे दें अपने गार्डनिंग के लिए, कि इससे मैं जो है ना, हम कैसे अपने पौधों को बचाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो वीडियो देखते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरा जो भी वीडियो आए तो आप उसको देख सकें, आपको पूरी नॉलेज उस पर मिल सके। तो दोस्तों, ये हम शुरू करते हैं अपने, देखिए स्पाइडर हमारा प्लांट है, ये देखिए स्पाइडर प्लांट है, और इसके ऊपर आप देख सकते हो खुला आसमान है, थोड़ा सा बरामदे की शेड इसमें ऊपर से आ रही है। तो उसमें जो है ना, हमने क्या किया है कि इसको यहाँ पर रखा है, उस ये जो हमारा छोटा सा एक प्लांट है, इस प्लांट को मैंने इसमें से रूट्स नीचे से निकलते हैं, कुछ बेबी प्लांट्स निकलते हैं, तो मैंने इसको इसमें लगाया है। और यहाँ से मैंने इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो ये होता है कि ये इसमें देख रहे हैं, ये बेबी शूट्स देखिए कितने हेल्दी, कितने निकल रहे हैं, ये देखिए सब पूरा का पूरा, ये पूरा इसमें से एक फ्लैजला जैसा निकल रहा है, इसमें से बेबी शूट्स काफ़ी निकलते हैं, तो हम इससे जो है ना एक प्रोपोगेट कर सकते हैं। बस इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप्स है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसका बेस देखिए बिल्कुल का बिल्कुल ड्राई है, मैंने इसमें एक भी देखिए आप पानी नहीं डाला, बिल्कुल सूखा रखा, आप देख रहे हैं इधर, आप देख सकते बिल्कुल सूखा रखा हुआ है। अगर हमें इसमें पानी डाल देंगे तो फंगस डेवलप हो जाएगा, और इसकी रूट्स दोस्तों जो है ना, ट्यूबुलर रूट्स होती हैं, तो हमें रूट्स में बहुत जल्दी इन्फेक्शन मिल जाता है, जिससे हमारा पौधा ड्राई होके सूख जाता है, मर जाता है। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम ये देखिए जैसे कैलेथिया है, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें हम पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं देंगे, जब तक हमारी ऊपर की पूरी टॉप सॉयल लेयर जो है ना, 1 या 2 या 3 इंच बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगी, तब तक हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे। इधर देखिए हम एग्लोनीमा का एक प्लांट दिखा रहे हैं आपको, बहुत खूबसूरत है, नीचे से बिल्कुल ड्राई है, इसको हमने सेमी शेडेड एरिया में आप देख सकते हैं रखा हुआ है, इसमें भी मैंने पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं डाली है, और देखिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी घना ये देखिए चल रहा है। इधर हम दोस्तों आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए हमारा जीजी प्लांट है, इसका देखिए आप सॉइल देखिए बिल्कुल ड्राई है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये जो प्लांट हैं, ऊपर से कोहरा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है, तो हम इन प्लांट में पानी नहीं देंगे, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा देखिए दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 15 दिन और 20 दिन के इंटरवल पे जो है ना, हम अपने अपने प्लांटों को गुड़ाई जरूर करते रहेंगे, और उससे हम चेक करते रहेंगे कि हमारे प्लांट में कहीं ओवर वाटरिंग तो नहीं हो गई। व्यूअर्स, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए
तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्लांट है ना वो ड्राई, वो रूट जो है ना रॉट हो जाएंगे उसकी और सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, जिससे जो है ना अब पौधा हमारा बहुत जल्दी मर जाएगा। तो हमें एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि पानी की मात्रा को बहुत कम रखें। दूसरा पॉइंट मैंने बोला है कि इसकी गुड़ाई रेगुलर करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो है ना हम किसी भी तरह की कोई खाद नहीं डालेंगे, किसी भी तरह की कोई खाद हम इसमें नहीं डालते हैं। उसका रीज़न ये है कि दोस्तों जो डोरमेंसी पीरियड चलती है उसमें हमारा प्लांट जो है ना खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही स्लो होता है। स्लो होने की वजह से क्या है, प्लांट को हमें जो है ना खाना बनाने में ज़रूरत कम पड़ती है और वो सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, डेड उसमें पड़ा रहता है, बस जीने के लिए थोड़ा सा जितना ज़रूरत है वो उतना ही अपना खाना बनाता है। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि इस कंडीशन में जो है ना अपने प्लांट को जो है ना हम कम से कम जो है ना खाद डालेंगे या बिल्कुल खाद नहीं डालेंगे। और इसका दूसरा महत्वपूर्ण प्लांट ये है कि देख रहे हैं आप सीजन इस समय देख रहे हैं काफ़ी कोहरा पड़ा हुआ है पूरा चारों तरफ से, और प्लांटों में आप देख रहे धूल भी जमी हुई है। तो होता यह है कि इस केसेस में जो है ना हम अपने पौधे को 15 दिन के 20 दिन के इंटरवल पर सावर दे देंगे। हम अपना पाइप लगाएंगे पानी का और ऊपर का जो टॉप्स है जो लीव्स होती हैं उनको हम धीरे धीरे मिट्टी उसकी हटा देंगे। दोस्तों होगा उससे ये कि जब मिट्टी की जो परत चढ़ जाती है हमारी पत्तियों के ऊपर तो वो खाना बनाने का प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। इसी तरह से मैं आपको इधर भी दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ देखिए मैंने अपने जीना पे कुछ प्लांट लगा रखे हैं, इधर मैंने कुछ ये प्लांट लगा रखे हैं। मैंने सभी के सभी प्लांटों को आप देख सकते हैं बिल्कुल सेडेड एरिया में रखा है। ये दोस्तों जो जितने भी आप देख रहे हैं सभी के सभी प्लांट्स जो है ना हमारे इंडोर प्लांट्स हैं, छाया में रहते हैं। थोड़ा हम ध्यान आपका इधर आपको आकर्षित करेंगे। ये देखिए हमारा प्लांट जो है ना वो छोटे से गमले में साइज देख रहे हैं आप बिल्कुल छोटा है। ये हमारा एलोवेरा है, बार्बीडेंसिस मुलर इसकी स्पीसीज है और इसको मैंने इसमें ग्रो किया है। ये मीठा होता है काफ़ी और काफ़ी अच्छा, इसको भी मैंने देखिए दोस्तों बिल्कुल सीडेड एरिया में लगा के रखा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। इधर हम आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे थे वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो है ना जो भी डेवलपमेंट होता है उसको भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उस केस इसमें क्या है कि जो भी निराई है इसकी गुड़ाई है पानी देने का प्रोसेस है सभी का सभी बहुत स्लो हो जाता है। होता ये कि धूप मिलती नहीं है जिसकी वजह से जो है ना हमारी मॉइस्ट जो मिट्टी है वो काफ़ी मॉइस्ट रहती है तो पानी उसमें काफ़ी कम डालना पड़ता है। मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा दोस्तों। इस सीजन में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि पौधों में तमाम तरह के ब्लैक एफिड्स, वाइट एफिड्स, मिली बग्स और स्पाइडर, इन इन चीज़ों का काफ़ी अटैक पड़ता है। और स्पाइडर भी पत्तियों के नीचे अपना घर बना लेती हैं और जहाँ पर भी ये अपना घर बनाती हैं वो पूरे का पूरा ब्रांच ही ड्राई हो जाती है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक आपको देख रहे हैं आप कितना हमारी पत्तियां जो है ना बहुत ब्यूटीफुल पत्तियां थी और सभी की सभी में आप देख रहे हैं कि बिल्कुल येलो हो गई हैं। उसकी रीज़न है कि बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में ये बिल्कुल डोरमेंसी में पड़े हुए हैं। ये देखिए कुछ स्पाइडर प्लांट हैं, ये देखिए कुछ हमारा देख रहे हैं ये फाइकस प्लांट है, मैंने मोनसाई कुछ बनाई है सबका आप देख रहे हैं। इनका बिल्कुल लुक देखने में देख रहे हैं आप बिल्कुल बहुत हरे बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। तो उसका ही रीज़न ये सब जो है ना यही है कि ये जो है ना अभी जो है ना बिल्कुल डोरमेसी पीरियड में है। इधर हम आपको दिखाएंगे एक अपना मनी प्लांट का, देखिए ये हमारा मनी प्लांट का काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखिए कॉर्नर है हमारा जीने का, वहाँ मैंने लगा रखा है इसको। इधर भी मैंने कुछ पौधों को लगा रखा है। तो व्यूवर्स ये देखिए बाहर का व्यू देखिए बिल्कुल कितना ज़्यादा विजिबिलिटी कम है और इस समय काफ़ी पाला भी पड़ रहा है।
ये देखिए, ये देखिए सभी के। तो दोस्तों ये कुछ आपके जो पॉइंट्स थे वो मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जो है ना बहुत जल्दी में वीडियो देखते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉइंट्स जो है ना वो ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो प्रॉपर उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं हमारे वीडियो का। तो दोस्तों मैंने 4-5 जो भी है 5-7 पॉइंट जो आपको बताए हैं उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। होता ये है कि लोग गलतियां कर लेते हैं, उसमें देखते हैं कि पानी ऊपर का लेयर सूख रही है थोड़ी सी, तो उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर आपने गलती से पानी कहीं डाल भी दिया है ज़्यादा, तो आप देखिए कि जो हमारा गमला होता है उसके नीचे प्रॉपर ड्रेनेज है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी आपको पानी को बाहर निकालना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो गए उसका पानी ड्राई हो जाए और आप अपना पौधा बचा सकें। तो मिली बग्स है, वाइट बग्स है, स्पाइडर हैं, कुछ एक देसी भाषा में बोलते हैं कि लस्सी, जो ये सब कोहरे में बहुत ज़्यादा लगती है। तो इन सबको बचाने के लिए दोस्तों जो है ना आप जो है ना जो लिक्विड सॉफ होता है डिटर्जेंट वो थोड़ा सा लेके नीम ऑयल लेके सभी प्लांटों पे स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए, जिससे रात में हम स्प्रे करेंगे सुबह फव्वारे के साथ इनको धुल लेंगे तो हम अपने कुछ हद तक अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो ये दोस्तों कुछ जो है ना हमारे पॉइंट्स थे जिससे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ के जो है ना हमारा वीडियो देखिए, समझिए और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करिए। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों। अब मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो जब बताएंगे तो उसके बारे में आप देखिए, समझिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।